सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन गोल्ड गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि तुलसी को सीड से कैसे ग्रो करें। कुछ लोगों के ग्रो नहीं होती तो आज हम उसे बताएंगे। तो मेरे पास ये नॉर्मल तुलसी के सीड्स हैं जो आज ही मैंने लिए हैं बड़ी तुलसी से, जिसमें सीड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब मैं उससे ये छोटे पॉट में ग्रो करूँगा ये सीड्स से। और मैंने आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मोगरा की कटिंग ग्रो करना दिखाऊंगा, बट उसमें कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो वो शायद एक दो वीडियो के बाद आएगी। इसके बाद एक दो वीडियो आएंगे और फिर वो आएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा पॉट ले लेना है, हो सके तो आप छोटा पॉट लीजिए पहले, फिर अगर उसमें तुलसी ग्रो करती है तो आपको उसके उसमें से ट्रांसप्लांट करके बड़े पॉट में कर लेना है। तो आपको नॉर्मली ऐसी सॉइल लेनी है, ये मैंने इसमें रखी हुई थी इसलिए ये ऐसी हो गई है, बट मैं इसे अब ऐसे ऐसे तोड़ दूँगा। और ये थोड़ी ज़्यादा वेट थी, अगर ये वेट हो तो इसे धूप में रखे थोड़ी देर सूखने के लिए, सॉइल ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसमें अब ये डाल देता हूँ। एकदम दबा दबा के नहीं भरनी आपको सॉइल इसमें, कोई भी सीड ग्रो करे आप सॉइल दबा कर ना भरें, एकदम मतलब खुली रहनी चाहिए जिससे एयर भी पास हो सके और सीड्स भी जर्मिनेट करने में आसानी हो। लगभग आपको 3/4 पॉट तो भर ही लेना है, फिर आपको सीड्स डालना है। अभी तो आप सीड्स डालेंगे, सीड्स को क्या करना है, आप पूरे ऐसे के ऐसे ना डालें, इनको थोड़ा तोड़ कर डालें, देखिए ऐसे। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीड्स भी दिख रहे हैं, आप ऐसे डालें और हो सके तो सीड्स एक बार वॉश कर ले डालने से पहले। बस अब ये इसको ऐसे ना छोड़े, इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डाल दे, पर एक बात ध्यान रखे, बस ऐसे रख दे मिट्टी ऊपर मिट्टी। कुछ लोग क्या कर ऐसे दबा दबा कर पाते, आपको दबाना नहीं है। ये सॉइल पहले से ही थोड़ी मॉइस्चर वाली है, इसमें मतलब वेट है थोड़ी, तो मैं इसमें पानी कम ही डालूँगा अब। और अगर तुलसी 1 वीक में ग्रो नहीं करती तो आपको क्या करना है, आपको फिर उसमें कुछ सूखे पत्ते डालना है, वो कोई भी हो चलेगा। मैं नॉर्मली नीम प्लांट के डालता हूँ, पर आप कोई भी सूखे पत्ते डालें तो उनसे शायद ग्रो हो जाएगी, शायद नहीं पक्का ग्रो होगी, क्योंकि उसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए सीड जर्मिनेट करने के लिए वो उसमें होते हैं। तो अब देखिए, तो मैं ये सूखे पत्ते ले आया हूँ कुछ, तो उनको मैं ऐसे डाल दूँगा इसके अंदर। अगर ग्रो ना करे तो आप ऐसे पत्ते डाल दे ऊपर, पूरी एक लेयर बना दे, पर एक उसको एक बात ध्यान रखनी है आपको, उसको ऐसे दबाना नहीं है बस। अगर आपने एक बार ऐसे दबा दिया तो सीड्स ग्रो नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल हल्के हाथ से करें। और अब वाटर कैसे देना है, ये तो अब जब ग्रो ना करे तब आप डाल सकते हैं, अभी डालने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट अगर 1 वीक में ग्रो नहीं करती तो फिर आप ऐसे डाल सकते हैं। तो वाटर भी आपको स्प्रेयर से स्प्रे करना है, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता तब तक आपको स्प्रेयर से स्प्रे करना है, डायरेक्टली ना डाले, ऐसे स्प्रेयर से स्प्रे करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं कोई भी एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊँगा और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दूँगा। ओके बाय।